Shut up and sit down. Hello students, welcome to day 20 of 20 idioms and phrases with meaning classes. इस वीडियो में आप अर्थ के साथ 20 मुहावरे और वाक्यांश पढ़ेंगे जो कि आपके SSC, CGL, GPO, रेलवे एग्जाम, बैंकिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो कि तरह तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं और स्पोकन इंग्लिश के लिए मददगार हैं। तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा वीडियोज़ है idiom और phrases का, इसको पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। आफ्टर स्टार्टिंग दिस कोर्स यू विल बी एबल टू, ये कोर्स करने के बाद आप क्या कर पाएंगे, लर्न 20 idioms एंड phrases। आप हर एक वीडियो में 20 idioms और phrases सीख पाएंगे और इससे क्या होगा, यू विल प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, SSC, CGL, GPO, रेलवे एग्जाम, बैंकिंग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और स्पोकन इंग्लिश, ये सब के लिए आपको ये idioms और phrases काम आएंगी। टोटल 1000 idioms एंड phrases से ज़्यादा का वीडियो बनेगा। तो छोटा छोटा पैकेट है 20 idioms का, एक एक वीडियो रहेगा, तो लाइन से आप सब पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो मिलेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। टू डू लिस्ट भी है, आपको करना क्या है, प्रैक्टिस मिनिमम 2 times डेली, हर रोज कम से कम 2 बार आप वीडियोज को प्रैक्टिस करें ताकि कुछ ही दिनों में आपको पूरा याद हो जाए वीडियोज। मेक अ रूटीन टू लिसन द वीडियोज एज मच एज यू कैन। अब देखिए, ये ट्रेडिशनल क्लास तो है नहीं, ऑनलाइन है, तो जितना ज़्यादा हो सके आप वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए और जो जो चीज़ आपको सीखना है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, वो वीडियोस भी जरूर बनाई जाएंगी। तो चलिए आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टोन्स थ्रो, वेरी नियर, बहुत नज़दीक। अब जब कोई चीज़ बहुत नज़दीक होता है तो हम लोग बोलते हैं स्टोन्स थ्रो, वेरी नियर, बहुत नज़दीक। स्ट्रीट अरब्स, a homeless person especially who survive by begging, beggar व अनाथ। अब देखिए, beggar व अनाथ street arabs उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसके पास घर नहीं है और वह भीख मांग के जैसे तैसे जी रहा है। street arabs a homeless person especially who survive by begging, beggar व अनाथ। सम एंड सब्सटेंस, मेन आइडिया और जस्ट, सारांश। अब देखिए, जब आप किसी चीज को कम शब्दों में बताते हैं, सारांश बताते हैं, उसका सिर्फ मेन आइडिया या जस्ट देते हैं, तब हम लोग बोलते हैं सम एंड सब्सटेंस, मेन आइडिया और जस्ट, सारांश। स्वान सॉन्ग, द लास्ट सेरेमनी और फेयरवेल, मरने या सेवानिवृत्ति के पहले की विदाई संगीत या समारोह। जब कोई आदमी मर जाता है या जब वो रिटायर हो जाता है, वो उसका काम का आखिरी दिन होता है, तो हम लोग उसको फेयरवेल देते हैं, लास्ट सेरेमनी होता है उसके लिए विदाई संगीत गाते हैं, वो होता है स्वान सॉन्ग, द लास्ट सेरेमनी और फेयरवेल, मरने या सेवानिवृत्ति के पहले की विदाई संगीत या समारोह। सेवानिवृत्ति क्या हुआ, आप काम से रिटायर हो गए हैं, अब आप सेवानिवृत्त हो गए हैं। स्वेट ऑफ वंस ब्रो, हार्ड लेबर, कड़ी मेहनत, बोलते हैं ना कड़ी मेहनत का पसीना, स्वेट क्या होता है, पसीना होता है, तो जब इंसान बहुत मेहनत करता है तब होता है sweat of one's brow, hard labor, कड़ी मेहनत। swelled head, grand opinion of oneself or conceited, घमंडी। अब जो व्यक्ति घमंडी होता है उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं swelled head, grand opinion of oneself or conceited। sworn enemy, people's enemy, कट्टर दुश्मन। अब जो आपका एकदम कट्टर दुश्मन है वो आपके लिए स्वान एनिमी है, पीपल एनिमीज है। सैंग फ्रॉयड, कंपोजर, आत्मसंयमी, जो आत्मसंयमी होता है उसको हम लोग कंपोजर, सैंग फ्रॉयड बोलते हैं। स्पिलिंग द बीन्स, रिवील द इंफॉर्मेशन इनडिस्क्रिटली,
बिना सोचे जानकारी देना। जब आप किसी जानकारी को लोगों को दे देते हैं और सोचते नहीं हैं कि अब क्या होगा, तब आप इस्तेमाल करेंगे स्पिलिंग द बीन्स, रिवील द इंफॉर्मेशन इनडिस्क्रीटली, बिना सोचे जानकारी देना। सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, गिव अ करेक्ट अकाउंट, सही करना। जब आप चीज़ों को सही कर देंगे तब होगा सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, गिव अ करेक्ट अकाउंट, सही करना। सेफ एंड साउंड, क्वाइट वेल, बिल्कुल ठीक। जो चीज़ बिल्कुल ठीक होता है वहाँ इस्तेमाल होता है सेफ एंड साउंड, क्वाइट वेल, बिल्कुल ठीक। स्नेक इन द शूज, टू बी इन अ स्टेट ऑफ फियर, डर की अवस्था में होना। सोचिए अगर आपके जूते में सांप हो तो क्या होगा, आप डरे हुए होंगे। तो वही है स्नेक इन द शूज, टू बी इन अ स्टेट ऑफ फियर, डर की अवस्था में होना। स्नेक इन द ग्रास, अ हिडन आर्मी, आस्तीन का सांप। अब जो आपके साथ रह रहा है लेकिन आपको धोखा दे रहा है उसके लिए इस्तेमाल होता है स्नेक इन द ग्रास, अ हिडन आर्मी, आस्तीन का सांप। सैलड डेज, अडोलेंसेस, किशोरावस्था, अच्छे दिन। अब देखिए किशोरावस्था, अडोलेंसेस, आपका उम्र 12 साल से 19 साल, 20 साल, इस उम्र को हम लोग अडोलेंसेस कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं, अच्छे दिन इसको हम लोग सैलड डेज बोलते हैं। शेक अ लेग, टू गो फास्ट और हरी, जल्दी जल्दी करना। जब लोग जल्दी करते हैं तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं शेक अ लेग, टू गो फास्ट, हरी, जल्दी जल्दी चलते हैं हम लोग। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, स्प्रेड क्विकली, जल्दी फैलना। अब जो चीज़ जल्दी फैल जाता है उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। जब जंगल में आग लग जाती है क्या होता है, बहुत जल्दी फैल जाता है ये, तो इसलिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, स्प्रेड क्विकली, जल्दी फैलना। टेक अवे वंस ब्रेथ, टेक बाय स्ट्रॉन्ग, भौचक्का कर देना, कुछ ऐसा काम कर देना कि सामने वाला चौंक जाए, ऐसा चौंक जाए कि उसकी सांसें तक रुकने जैसी हो जाए। टेक अवे वंस ब्रेथ, टेक बाय स्ट्रॉन्ग, भौचक्का कर देना। टेक बाय स्ट्रॉन्ग, टू सरप्राइज अनएक्सपेक्टेडली, अचानक प्रभावित करना। जब आप किसी को अचानक प्रभावित कर देंगे तब आप इस्तेमाल करेंगे टेक बाय स्टॉर्म, टू सरप्राइज अनएक्सपेक्टेडली, अचानक प्रभावित करना। टेक इनटू अकाउंट, टू कंसिडर, पर विचार करना। जब आप किसी चीज पर विचार करते हैं तब आप बोलते हैं टेक इन इनटू अकाउंट, टू कंसिडर, विचार करना। टेक वन एट वंस वर्ड, टू बी कन्विंस्ड ऑफ वंस सिंसियरिटी एंड एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ हिज और हर स्टेटमेंट। किसी के कहने पर विश्वास करना। जब आप किसी के कहने पर विश्वास करते हैं तब आप इस्तेमाल करते हैं टेक वन एट वंस वर्ड, टू बी कन्विंस्ड ऑफ वंस सिंसियरिटी एंड एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ हिज और हर स्टेटमेंट। किसी के कहने पर विश्वास करना, वो जो बात बोला आप उस पर ट्रस्ट कर लिए।